सबसे पहले यहाँ पर एक क्लिप आपको दिखाता हूँ। ये एक चैनल है, मेरा ही चैनल है। इसमें सब्सक्राइबर देख लीजिए कितने हैं, सिर्फ 331 सब्सक्राइबर, वीडियो डालिए 5। अभी तो सिर्फ 5 वीडियो हैं, नीचे देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5 वीडियो डाली, सब्सक्राइबर 331 हुए। बट यहाँ पर देखो मेरी पहली वीडियोस कितने व्यूज लाई, 8000 व्यूज, दूसरी 3000, 4000, 2000, 2000 व्यूज ये लाई है ना, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। मैं अपनी इस वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। इस वीडियो में एक चेहरा आपको नजर आ रहा है, ये चेहरा किसका है आप मुझे देख के बताओ, ये चेहरा किसका है, ये कौन बंदा है। अब एक सवाल पैदा होता है कि भाई मैंने चैनल ग्रो करे तो करे कैसे। मैं चलो आज की वीडियो के अंदर इसी चैनल की बात बताऊंगा कि चैनल को मैंने ग्रो कैसे करा। देखो मैंने कुछ फॉर्मूलेज पर काम करा, कुछ पैटर्न पर काम करा, जिससे मेरे चैनल ग्रो हुआ। मेरे इस चैनल पर अगर आप देखते हैं तो अभी की डेट में देखो सब्सक्राइबर मेरे कम है, लेकिन वीडियो में व्यूज आ रहे हैं। ये व्यूज मैंने कैसे लाए, अब आपको मैं एक चीज नोटिस कराऊं। देखो इस चैनल में मैं अगर दिखाऊं तो आपको, ये चैनल मेरा 13 अक्टूबर को बना है, ज्यादा दिन पुराना चैनल नहीं, इतनी जल्दी समय में मैंने चैनल कैसे ग्रो कर दिया। और इसमें वीडियोज ही बहुत कम डालते होंगे, 6 दिन पहले वीडियो डालती थी, उसके वीडियोज भी डाल रखी। अब समझो एक चीज को, मैंने इस चैनल में क्या काम करा कि मेरा चैनल ग्रो हुआ, वही काम अगर आप भी करते तो आपका चैनल भी ग्रो होगा। देखो सबसे पहले मैंने इस चैनल में एक कंटेंट को पकड़ा, सेम टाइटल, सेम टैग, सेम डिस्क्रिप्शन। अगर मेरी इस वजह से एक वीडियो भी रैंक होती तो मेरी ऑटोमेटिकली दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सारी वीडियो रैंक करेगी। ये यूट्यूब का एक फॉर्मूला है। अगर आपका सेम कैटेगरी, सेम कंटेंट रहेगा ना, तो आपके सारे वीडियोस चलेंगी। अगर मान लो आपने चैनल बनाया, यूट्यूब एक वीडियो बनाई हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, और आपकी सारी वीडियोस उसी के ऊपर है, सारी वीडियो उसी के ऊपर है, सारा वही वीडियो में आपने सारा टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन वही डाल रखा है। अगर आपकी एक वीडियो रैंक करती तो सारी वीडियो आपकी रैंक करेगी, क्योंकि एक के नीचे एक, एक वीडियो मेरी वीडियो चली मान लो कि सब्सक्राइबर के ऊपर, उसके नीचे मेरी दूसरी सब्सक्राइबर की वीडियो आएगी, उसके नीचे मेरी तीसरी सब्सक्राइबर की वीडियो आएगी। जो बंदा पहली वीडियो देखेगा वो दूसरी भी देखेगा, तीसरी भी देखेगा, बस अरते आपकी पहली वीडियो के अंदर कंटेंट अच्छा होना चाहिए। इस अब कौन सी वीडियो पहले रैंक कर जाए, इसके लिए आपकी सारी वीडियो का कंटेंट अच्छा करना पड़ेगा, तभी आपकी कोई सी वीडियो रैंक करे तो आपकी बाकी वीडियो खींच के लाएगी। सबसे पहला फॉर्मूला ये आपने करना है। और दूसरी चीज, मुझे पता था कि अगर मैं अपना चेहरा यहाँ पर लगा दूँ तो मोस्टली 50% लोगों को यकीन नहीं आएगा कि बंदा कौन है। मैंने पहले वीडियो में एक ऐसे बंदे का चेहरा बनाया, ये मेरा दोस्त है, इसका थंबनेल लगाया, इसका थंबनेल मैं डिट्टो उठा के कॉपी मार दिया, ये मुझे स्ट्राइक नहीं मारेगा, मुझे पता है मेरा दोस्त है, इसका मैं थंबनेल उठा के लगा दिया। ये बंदा ना इंस्टाग्राम की कैटेगरी का नंबर वन चैनल है, जैसे YouTube में अभी मनोज चल रहा है, वैसे Instagram में फॉलोअर कैसे बढ़ाए मैं, करण मेरा भाई जो है सबसे नंबर वन पे चैनल है। अब लोग उसकी फेस वैल्यू जानते हैं, मैंने उसका थंबनेल उठा के लगा दिया, लोगों को एक ट्रस्ट बना कि करण की वीडियो हो सकती है और यहाँ पर जहाँ हमें अच्छा कंटेंट मिलेगा। लोगों ने प्ले करा, अंदर चाहे मेरा चेहरा मिला, लेकिन लोगों ने कंटेंट देखा और जो उसको नीड थी वो उनको मिल गई, लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे देखो मैंने दूसरी वीडियो में करण का थंबनेल डाला, उससे व्यूज थोड़े कम आए, क्योंकि लोगों को ये लगने लगे हाँ थंबनेल में कोई और है, अंदर कोई और है। उसके बाद मैं दिमाग का खेल खेला, मैंने थंबनेल में अपना ही चेहरा लगा दिया। देखो वीडियो में व्यूज भी आए, वीडियो में व्यूज भी आए, आप ही आगे व्यूज बढ़े। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या, लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेला, मैंने पहले लोगों को ट्रस्ट दिलाया, उसके बाद ये लोगों को यकीन दिलाएं कि भाई मैं भी अच्छा कंटेंट बना सकता हूँ, सिर्फ आपका करण भाई नहीं, मैं भी अच्छा काम कर सकता हूँ। लोगों को पहले ये यकीन दिलाया, उसके बाद अपना चेहरा लोगों को दिखाया, मेरी वीडियोज रैंक करने लगी। अगर आप भी YouTube में ग्रो करना चाहते हो, सबसे पहले अपने दिमाग से एक ख्याल निकाल दो कि भाई ये बंदा मुझे सिखाएगा, इसके पास क्या नॉलेज होगी मुझे सिखाने की, छोटा बंदा भी आपको नॉलेज दे सकता है। मैंने भाई इतने चैनल ग्रो कर लेना, आप लोग जो लोग मेरे से बोलते भाई अपना चैनल ग्रो करके दिखा, आप इनमें से मैंने 4-5 चैनल ग्रो कर लेना, सिर्फ एक चैनल में इतने सब्सक्राइबर करके दिखा दो ओरिजिनल। अगर आपको लगता है मैंने 1,00,000 सब्सक्राइबर पैसों में खरीद रखे हैं, भाई मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से रहने वाला था, मैं अपना घर की कंडीशन दिखाऊंगा आपको रोना आ जाएगा। आपके पास 1,00,000 सब्सक्राइबर खरीदने के पैसे होंगे ना, आप कभी सब्सक्राइबर नहीं खरीदोगे, आप जेन्युइन तरीके से यूज करोगे। और आप एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हो ना, तो आपके पास 1,00,000 सब्सक्राइबर खरीदने के पैसे तो कभी नहीं हो सकते, आप उन पैसों से अपनी जरूरत की चीज़ें पूरी कर सकते हो, आपका दिमाग वहां पर लगेगा। मैंने कोई फेक काम नहीं करा है, ओरिजिनल काम कर रखा है, एक चैनल नहीं 4-5 चैनल ग्रो कर रखे, आपको प्रूफ भी दिखा चुका हूँ। अगर आप मेरे साथ ग्रो होना चाहते हो तो भाई हाथ जोड़ता हूँ, साथ बने रहो, वीडियो तो देखते रहो, ऐसी ऐसी नॉलेज आपको दूंगा जो आपने कहीं सुनी भी नहीं होगी, प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। अभी प्रैक्टिकली इतनी मेहनत मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि भाई देखने वाले लोग कम है,
मैं मेहनत कर दूँ, कोई अगला बंदा मेरा कंटेंट कॉपी करके अपने चैनल में डाल दे, सारा क्रेडिट ले लेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं जब तक लोगों के पास मेरे पास ऑडियंस नहीं आती ना, मैं अपने वो सीक्रेट रिवील नहीं कर सकता। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे कंटेंट मिलेंगे, यहाँ पर कुछ वीडियोज आ रही है उनको देखे बिना मत जाना। अब मैं मिलूंगा नई वीडियो में, तक ले जय हिंद जय उत्तराखंड।